ओके गाइस, तो मेरे बाल जो हैं वो अब ऑलमोस्ट सूख चुके हैं एंड मैं उनको ओपन कर लेती हूँ और आपको इसका लुक दिखाती हूँ। पहले तो धूप पे दिखाती हूँ, उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तब दिखाती हूँ। ओके, तो कैसे दिखाया जाए। मेरा जो शेड था वो नेचुरल ब्राउन था। मैंने आगे थोड़ा थोड़ा सा ना, वैसलीन नहीं था तो मैंने बोरोलिन लगा लिया था, और ग्रे हेयर तो नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी जहाँ तक है। सो कलर आ गया होगा और जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तब मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े लगाए थे, वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं फैलाने के लिए। और ये ना नेक्स्ट डे की क्लिप है। कल मैंने हेयर कलर किया था, उसके बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं एक्चुअली, मेरे बाल ना बहुत ऑयली हो गए थे लास्ट जब मैंने कलर लगाया, तो मैंने ना पहले हेयर वॉश नहीं किया और मैंने कलर अप्लाई कर लिया, जिसकी वजह से मेरा तो बाल पहले ही गंदा था, ऑयली था, और फिर वो और ज़्यादा ऑयली हो गया। सो शूट करने का कुछ मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पे व्लॉग नहीं किया था। और अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग का टाइम है, भारती दीदी आई हैं, मैंने कपड़े वॉश किए थे तो वही मैं यहाँ पे फैला रही हूँ, वो क्लीनिंग वगैरह कर रही हैं। गाइज, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने हेयर फॉल के प्रॉब्लम के बारे में। कल मैं कैरेट खा रही थी तो मेरे मिस्टर वर्मा, मेरे हस्बैंड, बोल रहे थे आज सूरज कहाँ से निकला है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से कैरेट खाती रही हूँ तो वो सोचे कि मैं कैरेट कैसे खा रही हूँ, आज सूरज कहाँ से निकल आया है, तो उनको सरप्राइज हो रहा था। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं कैरेट खाऊंगी जिससे कि मेरे बाल जो है वो कम गिरेंगे, क्योंकि कैरेट बहुत अच्छा होता है हमारी बालों के लिए, हमारे आईज के लिए। सो आजकल मेरे घर पे ना बाल ही बाल दिखते रहते हैं। सो उसके लिए मिस्टर वर्मा भी परेशान हैं, तो उन्होंने मुझे एक हेयर ऑयल मुझे सजेस्ट किया है, जिसके बारे में मैं आपको चलिए बताती हूँ, दिखाती हूँ। अच्छा, तो आपको पता ही होगा कि गाजर में होता है कैरोटोनाइड्स एंड कैरोटीन, जो कि हमारे बालों का हेयर फॉल होने से रोकता है। एंड जैसा कि आपको पता है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो आपको अपने बालों को अच्छा करना होगा और मुझे भी अपने बालों को अच्छा करना है। एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे बाल वैलेंटाइन डे आते आते गिर जाए, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जो कि है न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल। तो चलिए मैं आपको इससे अपनी चम्पी करके दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको इसके बारे में। हैशटैग हेयर फॉल कम करो, ये बना है चम्पी करने के लिए। ये कैरेट सीड स्ट्रैक्स से बना है, इसमें विटामिन ए है, कैरोटीनाइड्स है एंड कैरोटीन्स है, जो कि आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। और इसमें है फॉलिक, जो कि स्ट्रॉन्ग करता है आपको, आपके बालों को, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें बालों को यूवी रेज एंड पोल्यूशन से भी ये प्रिवेंट करता है। ये केवल 10-20 ही नहीं बल्कि 70% तक आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, वो भी 1 मंथ में। तो है ना कितना अमेजिंग ऑयल। तो अब आप भी अपने घर में, अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मी पापा के, या फिर आप अपने भाई बहन से, किसी से भी चम्पी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे सिर्फ फ्रेंड्स या फिर पार्टनर के साथ नहीं मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे तो उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं जो कि आपके लव वंस हों, आपका ख्याल रखते हों। सो गाइज, अब सूरज कहाँ से निकला है वो बात भी नहीं होगी और आपके घर में अब इधर उधर बाल भी गिरे नहीं मिलेंगे। तो हैशटैग हेयर फॉल कम करें और चम्पी करने के लिए बाय करें इस ऑयल को www.avertinnude.com से और Amazon Flipkart से। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कल मैंने किया था हेयर कलर बट बालों में नजर तो आई नहीं रहा है, तेल ही तेल नजर आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने हेयर कलर किया ना तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, ठीक है। आलस आ गया मुझे कि पहले हेयर वॉश होना चाहिए उसके बाद कलर करना चाहिए, बट आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा, मेरे से हो गई गलती। खैर कोई बात नहीं, कलर तो आ गया, प्रॉब्लम अभी ये है कि मेरा बाल बहुत ऑयली है और आज थर्सडे है, सो मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि थर्सडे को मैं हेयर वॉश, शैम्पू ये सब नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, तो कल है फ्राइडे, कल मैं हेयर वॉश करूंगी, तो इसका फाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी। इसलिए मैंने आज व्लॉगिंग नहीं करी, व्लॉग नहीं अपलोड किया, जिससे कि आप देख सकें कि क्या मेरे बालों का
लुक आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में, सो वो आप देखिएगा कल हेयर वॉश के बाद। मेरा लंच हो गया है, मैंने पनीर के 2 पराठे बनाए अपने लिए और चटनी के साथ खा लिया है। आज मिस्टर वर्मा का लंच था ऑफिस में, सो खाना नहीं बनना था तो मैंने अपने लिए कुछ बनाया भी नहीं। फिर मैंने देखा पनीर रखा हुआ है तो थोड़ा पनीर था तो अजवाइन नमक मिर्च डाल करके मैंने उसका पराठा बनाया और खा लिया है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है बाहर एंड मेरी आईब्रोज देख सकते हैं आप बहुत बुरी हो रही है, बड़ी हो गई है, सो मुझे इसको बनवाना है। तो देखती हूँ बुलाती हूँ या जाती हूँ, कैसे होता है वो मैं करूँगी। वेलकम बैक गाइस, शाम हो गई है 6:30 बज रहे हैं एंड अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। और मैंने बीच में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, यहाँ हमारी पीहू आ चुकी है, पीहू लिख रही है नंबर्स नेम मैंने उसको दिया है तो इधर ही खड़ी है वो। और मैं फ्रिज में मैंने देखा कि बहुत सारी वेजिटेबल्स रखी हुई थी, जैसे कि ये था गोभी, पत्ता गोभी एंड कैरेट रखा हुआ था, फिर ब्रिंजल रखा हुआ था, बहुत सारी सब्जियां थी। तो मैंने क्या सोचा मैं ना इसको बना देती हूँ पाव भाजी। तो मैंने यहाँ पे सब्जियों को कट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ कट कर ली हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है, पटेटो एंड कैप्सिकम भी है, ये सब रखा हुआ था फ्रिज में ही। सो ये करते करते मुझे याद आया कि मैं व्लॉगिंग कर रही थी सुबह से, बट फिर वो व्लॉगिंग रही गई तो ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी कल तक। अभी हेयर वॉश नहीं हुआ है तो अभी थर्सडे ही चल रहा है ना, इसलिए तो यही है। तो अभी यही है कि आज मैं जो डिनर बना रही हूँ वो पाव भाजी सोच रही हूँ बनाने को, बट पाव है नहीं सो बोलना पड़ेगा मिस्टर वर्मा जी से या फिर ऑनलाइन मंगा। हाँ 20 हो गया। तो अभी पीयू ने नंबर नेम लिख लिया है, तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स कट करके हल्का सा नमक डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है ज़्यादा नहीं, और रख दिया है यहाँ पे विसल लगने को। बस 2 से 3 विसल आएगी और हम इसको बंद कर देंगे। साइड बाय साइड मैं इसका मसाला तैयार कर ले रही हूँ, जिसमें कि ऑयल डाल करके मैंने हल्का सा ज़ीरा डाला है, और फिर जब वो थोड़ा सा ज़ीरा भुन जाएगा तब मैं इसमें डाल दिया मैंने प्याज, 1 अनियन चॉप करके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर कट कर रही हूँ बट वो दिख नहीं रहा है क्योंकि सामने कुकर रखा हुआ है एंड मेरे फ़ोन की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए। सो यही था। और यहाँ पे मैं टमाटर ही चॉप कर रही हूँ कढ़ाई में डालने के लिए, सिर्फ पाव भाजी का मसाला डालूंगी एवरेस्ट का। आप लोग कौन सा पाव भाजी मसाला यूज़ करते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बीच की जो क्लिप थी वो थोड़ी सी मिस आउट हो गई पता नहीं कैसे। सो यहाँ पे मैंने प्याज डालने के बाद वही टमाटर डाला था और फिर उसके बाद मैंने पाव भाजी मसाला डाला था। यहाँ मैंने मैश कर लिया है सारी सब्जियों को मैशर की हेल्प से, ये मैशर बहुत अच्छा है, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो जानते ही होंगे, अगर नहीं करते हैं तो इसको पोटैटो मैशर को ज़रूर लीजिए, ये बहुत अच्छे से मैश कर देता है सब्जियों को। आलू पराठा बनाना है तो भी इससे बहुत अच्छे से आलू जो है वो मैश हो जाता है, गर्म भी नहीं लगता क्योंकि हैंडल लगा हुआ है ना इसीलिए। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को मैश करके डाल दिया है, अब मैं इसको भून लूँगी बहुत अच्छे से, फिर एंड में इसमें बटर डाल दूँगी और जब सर्व करूँगी तो फिर से बटर के साथ सर्व करूँगी तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी भी डाल रही हूँ जिससे कि वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए क्योंकि बहुत सूख गई थी सब्जियाँ, ज़्यादा पानी नहीं था उसमें। सो गाइज मैंने यहाँ पे भाजी जो है वो बना ली है,
ये देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना, मेरा ना ये एवरेस्ट का मसाला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन सा मसाला यूज करते हैं, क्योंकि मैं ना 2-3 बार से देख रही हूँ कि एवरेस्ट का मसाला डालने से बहुत मसाला हो जाता है भाजी में। मुझे समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, बट कुछ तो है जो अच्छा नहीं बन रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सा मसाला यूज करते हैं। एंड आज है चॉकलेट डे, सो मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट निकाली है और चलिए पीहू को देते हैं और देखते हैं पीहू का क्या रिएक्शन होता है। हैप्पी चॉकलेट डे। टुडे यू नो पीहू, मैंने आपको चॉकलेट दिया, मम्मा को किसी करो। सो गाइस, यहाँ पे सामान आ गया है जिसमें कि पाव एंड ब्रेड अगेन से आई है और अभी ये हमें पाव की जरूरत है, सो चलो बनाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मेरी प्लेट लग गई है। यहाँ पे मैंने सैलेड के लिए खीरा ले लिया है, भाजी है, थोड़ी सी चटनी एंड ये मेरा पाव है। हमारा डिनर हो गया है, पाव भाजी अच्छी बनी थी आज, ठीक थी, मतलब पहले के कंपैरिजन आज ठीक लग रहा था। और मिस्टर वर्मा अभी तक आए नहीं है, 8:30 बज रहे हैं, मैंने डिनर कर लिया है, पीहू ने भी कर लिया है। जब वो आएंगे तो गरम गरम उनको पाव सेक करके मैं दे दूंगी। अब इस व्लॉग का भी यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, अब कल मैं इस व्लॉग का एंड भी करूँगी, स्टार्ट भी करूँगी। तो चलो मिलती हूँ सुबह। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैंने शैम्पू कर लिया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको धूप पे कैसा आया है मेरे बालों का कलर। सो फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं, कलर तो ब्राउनिश काइंड ऑफ, क्योंकि नेचुरल ब्राउन कलर ही था उसका, और बाल अच्छे कलर हो गए हैं। जो बीच बीच में वाइट एंड ग्रे हेयर, जो वाइट ग्रे हेयर्स थे वो अभी मेरे को नहीं दिख रहे हैं, यानी कि मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था। ये देखिए एक दिखा, तो कुछ कुछ बालों में नहीं हो पाता है ना, अपने आप से पूरा बाल नहीं लगा पाते हैं। सो यही है, और अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूंगी। आपको मैंने अपना हेयर कलर दिखा दिया, इसका प्रॉपर वीडियो जो है वो आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं पूरा वीडियो इसका शेयर करूंगी कि कैसे कलर किया मैंने और कैसा अप्लाई करना चाहिए, फिर ये अच्छा है या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगी, ऐसा है। और चलो अभी मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ फटाफट से और फिर आप तक ये व्लॉग पहुँचाती हूँ। सिर्फ इसी क्लिप के लिए रुकी हुई थी मैं, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।